हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो चाइल्ड साइकोलॉजी और इसका शिक्षण शास्त्र जो होता है उसका है। और इससे पहले मैं हिंदी का शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखे होइएगा तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन से ये रहता है शिक्षण शास्त्र। तो 111 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने अथवा किसी अनुचित व्यवहार का परिहास करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक संकेत को क्या कहा जाता है। ए है प्रोत्साहन, बी है प्रबलक, सी है उत्प्रेरक और डी है क्यों यानी संकेत। 111 का आंसर जो होगा डी होगा, संकेत। ठीक है, नेक्स्ट 112। विज्ञान विषयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। इसका आंसर होगा 112 का ए, प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग। 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होती है। इसका आंसर होगा 113 का सी, सी यानी ए निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन और सी निकट के शिक्षक माता पिता संपर्क। 114 नंबर, क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसका कार्यक्षेत्र काफी व्यापक होता है, यह जो है सही नहीं है। 115, खेल ही बच्चों का कार्य है किसने सर्वप्रथम कहा था। तो यह कहा था मोंटेसरी ने कि खेल ही बच्चों का कार्य है। 116 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा में एकदम खामोशी हो तथा अध्यापक शांति से पढ़ा सके। 117, कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका यानी अभिनय करने के लिए कहती है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक होगी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मूल्य निर्धारण मापनी। 118, अध्यापक द्वारा किसी विषय के विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, परीक्षा योजना। 119, थर्नडाइक के मतानुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप क्या था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम। 120 नंबर क्वेश्चन, पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 120 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पाठचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती है। 121, उद्देश्यों के कथन के लिए प्रस्तुत व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, सक्रिय करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुप्रयोग। 122, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सह संबंध को प्रदर्शित करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाना। 123, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोवेल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अलौकिकता का सिद्धांत। 124 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म पर अथवा भाषा पर आधारित हो अपनी इच्छा अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उसका संचालन करने का अधिकार है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29। 125 नंबर क्वेश्चन, श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका है,
इसकी इच्छा है, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उनके बच्चों से कुछ शैक्षणिक और आचरण संबंधी अपेक्षाएं भी रहती है। जब बच्चों को स्वायत्तता देने के महत्व को समझाती है, बच्चों से अन्योन्य क्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती है। यह बच्चों के स्नेह तथा हार्दिक प्रदर्शित करता है। वह यह भी जानती है कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृत्ति का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि उनका विश्वास है कि अंतोगत्वा अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बताइए श्रीमती कपूर कक्षा संचालन के किस शैली का अनुसरण कर रही है? इसका आंसर ऑप्शन बी है, उन्मुक्त। 126 संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में शिक्षा को निम्नलिखित में से किस में रखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी है, संवर्ती सूची। 127 निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटेन काल में भारतीय शिक्षा का मैग्मा कार्टा यानी महाअधिकार अभिलेख समझा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वुड्स डिस्पैच। 128 निम्नलिखित में से ऐसी सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है जिसका प्रयोग बच्चों के सामाजिक मूल्यों का विकास करने में किया जा सके? इसका आंसर ऑप्शन ए है, अध्यापक द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार प्रस्तुत करें ताकि वे उसे एक प्रतिरूप समझने लगे। 129 निम्नलिखित में से वह कौन सी दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत एक वास्तविकता है, मानव और अन्य जीवधारियों को वातावरण के प्रति अनुकूल करना चाहिए, भौतिक वातावरण सीमित होता है, अध्यापक का किसी प्रकार का हस्तक्षेप बच्चे के लिए हानिकारक होगा और अतः उसके विकास में किस प्रकार के सुझाव, निर्देशन अथवा हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता है? इसका आंसर ऑप्शन बी है, प्रकृतिवाद। 130 निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन ए है, ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। 131 अव्यक्त अथवा अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठचर्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रक्षण या गुप्त पाठचर्या। 132 सफल समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता हो। 133 सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका है अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं रखती है। उनके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वो दृढ़ है परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती है। उनका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करे तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती है जो उचित हो परंतु बच्चे अपमानित अनुभव न करे। बताइए वह कक्षा संचालन में किस शैली का पालन करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्मुक्त। 134 प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेल कूद बच्चों की इस प्रकार सहायता करते हैं कि? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता तथा समझौता करना सीख जाए। 135 स्कीनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि व्यवहार को नियंत्रित करना हो तो व्यक्ति को किसे नियंत्रित करना चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रबलन। 136 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी है, विकास सदैव रैखिक होती है। 137 निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने भारत के बच्चों की शिक्षा में मोंटेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गिजू भाई बढ़ेका। 138 उद्देश्य इस इकाई में पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे, या किस प्रकार ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, समझ।
139 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं का विनियमन तथा मॉनिटरिंग करती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय पुनर्वास परिषद। 140 एक बच्चे में अविनाशिता यानी संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है और वह वस्तुओं को सबसे छोटी और सबसे बड़ी की ओर तथा सबसे बड़ी से सबसे छोटी की ओर सजा सकता है। उसकी विचार प्रक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित है। वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकता है जो अमूर्त नहीं है। बताइए यह बच्चा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। 141 यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए सूचना संप्रेषित आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी है, ICT उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। 142 किसी कक्षा चार के अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा में विद्यमान दृष्टिहीन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते। ऐसी अवस्था में दृष्टिहीन बच्चे अपनी किस आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रह जाएंगे? इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही लग रहा है, आत्मसम्मान भी और सह संबद्धता भी। यहाँ पे ऑप्शन तो उस तरह का नहीं दिया गया है कि ए और बी दोनों, लेकिन ये दोनों ऑप्शन इसका यहाँ पे सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न दिए। वर्ग की क्या परिभाषा है? एक वर्ग की रचना करो। यह बताइए कि ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के स्तर से संबंधित किस उद्देश्यों को मापते हैं? ए है समझ तथा संश्लेषण, बी है समझ तथा ज्ञान का प्रयोग, सी है ज्ञान तथा संश्लेषण और डी है ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग। 144 निम्नलिखित में से कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगम। 145 एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहता है कि क्या इससे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का परीक्षण हो जाएगा जो उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए थे। बताइए यह अध्यापक निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परीक्षण की वैधता। 146 कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी के शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संश्लेषण स्तर। 147 एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि में एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और अध्यापक उस बच्चे को डांट देता है। अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जा सकती है? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रतिनिधिक दंड। 148 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में से केंद्रक एजेंसी कौन सी थी? इसका आंसर ऑप्शन डी है, NCERT। 149 निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो के नाम जुड़े हुए हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी है, मानवतावाद। 150 निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापक के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
उद्देश्य व्यापक और सामान्य दोनों होते हैं। तो एक था टोटल शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन जो थोड़ा टफ था, सीटेट वगैरह से थोड़ा सा टफ जरूर है, आप लोगों को भी लगा होगा, लेकिन जॉब भी तो बहुत अच्छी होती है, तो जिस तरह का जॉब है तो उस तरह का सिलेबस तो इसका रहेगा ही रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बताई हूँ ये 2017 में जो परीक्षा हुआ था उसका है। आगे मैं और भी जो जितने भी परीक्षा अभी तक इसका हुआ है सबको एक एक करके बताऊंगी। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।